हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में आज खास क्या सीखेंगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर सीरियल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए यहां पर ब्लैंक है, नाम नहीं लिखा हुआ है तो सीरियल नंबर ब्लैंक हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने नाम लिख दिया, लाइक यहां पर लिख दिया दुर्गेश, तो ये देखिए यहां पर दुर्गेश लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया। आप देखिए यहां से इसको मैं ड्रैग करता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये ड्रैग किया मैंने, देख रहे हैं कि यहां पर सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, ब्लैंक वाले कॉलम में सीरियल नंबर नहीं आ रहा है। इसको फॉर्मेट को कॉपी कर देता हूं, ये देखिए ये हो गया। देखिए ब्लैंक वाले कॉलम में सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन जहां पर नाम लिखा जा रहा है वहां पर सीरियल नंबर आ जा रहा है। तो ये कैसे हुआ, आइए आज आपको बताता हूं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इफ का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये इफ यूज कर लिया, अब नाम हमको कहां पे लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, देखिए B2 इसका सेल एड्रेस है, मतलब ये हुआ कि B2 में ही ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, डबल इंटेड कोट्स ओपन कीजिए, डबल इंटेड कोट्स को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इफ में दो कंडीशन होती है, तो यहाँ पर भी ओपन करिए क्लोज करिए और बस इतना ही करना है। और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था काउंट, ये जो काउंट है ना ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है पिछले वीडियोस में काउंट का फॉर्मूला जब मैंने सिखाया था। अब इसमें करना क्या है, देखिए B2 है ना, क्योंकि B2 में ही तो हमारा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है हमें B2। ठीक है, कोलन लगाइए फिर लिख दीजिए एक बार B2। ठीक है, ये दो बार लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, ये अभी रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप खाली कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दीजिए, आप जा करके वहां डॉलर साइन लगा भी सकते हैं, कॉलम के पहले रो के पहले डॉलर साइन लगा दीजिएगा तो ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद क्या करना है आपको, फ्रीज होने के बाद यहां पर कर्सर को रख के एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए ना यहां पे 1 आ रहा है। अब इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए मैंने ड्रैग किया, तो यहां पर जहां जहां नाम नहीं लिखा हुआ है वहां वहां जो है कोई भी सीरियल नंबर इंसर्ट होकर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, देखिए यहाँ ईसा लिखा हुआ है, तो ये अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं यहां तक, तो देखिए जहां पे नाम लिखा हुआ है वहां पे 6 आ रहा है। अब देखिए ना बीच में दो कॉलम खाली कर दिया मैंने, तो यहां पे देखिए जहां खाली है वहां पे नाम नहीं आ रहा है, सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर नाम लिखा हुआ है तो यहां पर आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर नाम लिख देता हूं कुछ, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने गौरव, तो ये देखिए ये नाम लिख दिया ना। अब इसको मैं ड्रैग करवाता हूँ फिर से, तो ये है कुछ इस तरीके से, आते हैं नीचे, ये आ गए ये। तो देखिए यहां पर जहां पे खाली है वहां पर सीरियल नंबर नहीं इंसर्ट हो रहा है, लेकिन जहां पर नाम लिखा हुआ है वहां पे सीरियल नंबर इंसर्ट हो जा रहा है। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस की जरूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।